वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर स्पिनिंग मिल जॉब्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप टेक्सटाइल ग्रेजुएट हैं, टेक्सटाइल में डिप्लोमा है और उसके बाद आप जो है इंटरव्यू के लिए स्पिनिंग मिल के इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो कुछ इसेंशियल चीज़ें जो आपको इंटरव्यू के समय ध्यान रखनी चाहिए वो आवश्यक हो जाती हैं। उन बातों को आज हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि हम एमए इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इंटरव्यू के समय हमें क्या एक्टिविटी रखना चाहिए और इंटरव्यू के बाद हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन स्पिनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो जनरली जो है इंटरव्यू में, स्पिनिंग इंटरव्यू में जनरली जो पूछे जाते हैं, उन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, दिस लेक्चर इज गिवन टू बिगिनर हु आर इंटरेस्टेड टू जॉब इन यार्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये जो आज हम लोग लेक्चर जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये जनरली उस लेक्चर उन टेक्सटाइल जो है बिगनर्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो अपना कैरियर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जो है बनाना चाहते हैं। यू शुड हैव क्लियर कंसेप्ट अबाउट होल प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेक्टर इफ यू वांट टू गेट बेटर जॉब हियर। अगर आप एक बेटर जॉब चाहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्पिनिंग इंडस्ट्री में, तो आपको जो है इस कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आंसर को जो है प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे जो है कॉर्पोरेट लेवल इंडस्ट्री के इंटरव्यू में सक्सेस हो। यू हैव ए फेस ए लॉट ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चन इंटरव्यूअर बोर्ड। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यूअर बोर्ड के द्वारा जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। If you have great preparation, then you can easily deliver answer. और आप अपनी preparation जो है अच्छी रखते हैं तो आप आसानी से उस interview को face करते हैं और उस interview में जो question पूछे जाते हैं उसका जवाब आप आसानी से दे पाते हैं। Here I am presenting some important question and answer from industrial experience teaching as well as training placement officer at institute level in textile technology. जो हमने अपने करियर में हमने जो क्वेश्चन जो है फेस किया है, जो देखा है या जो जनरली जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस और टीपीओ के दौरान जो हमें हमने जो फेस किया है उसको हम आपको कुछ यहाँ पे शेयर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो है लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। होप आई विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए देखते हैं व्हाट टू डू बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर एंड इंटरव्यू। हमें इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सम कुछ पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर टेक्निकल पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए उन महत्वपूर्ण पॉइंट को, बिंदु को हम जो है यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, आपको जो है कुछ पॉइंट्स को हम नोटिस करा रहे हैं जिनको आप इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के समय और इंटरव्यू के बाद जो है आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए देखते हैं बिफोर एंड इंटरव्यू। यहाँ पे जो है हम बिफोर इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। बी पार्टिकुलर अबाउट योर ड्रेस एंड अपीयरेंस। आप इंटरव्यू से पहले जो है आपकी ये प्रिपरेशन है कि हम इंटरव्यू में किस तरीके का जो है अपना ड्रेसिंग सेंस रखेंगे, तो इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो हमें ड्रेसिंग कोड का, ड्रेसिंग सेंस का जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें एक फॉर्मल ड्रेस, एक ऑफिसर जो कोडिंग है वो हमें जो है ड्रेस को जो है फॉलो करना चाहिए। बी ऑन टाइम आफ्टर, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो इंटरव्यू डेस्टिनेशन है उस इंटरव्यू डेस्टिनेशन पे एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट आपको जो है बिफोर जो है पहुंचना चाहिए। एक कई तरीके से आपको बेनिफिशियल होते हैं। एक तो आप पहले पहुंचते हैं, मेंटली रिलैक्स होते हैं, मेंटली आप कूल होते हैं, काम होते हैं, और एक जो पंचुअलिटी है, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उस जॉब के प्रति और सेल्फ जो आपका जो है एक पंचुअलिटी है,
टाइम के आप टाइम आप बिल्कुल टाइमली हैं, ये आपकी जो है पर्सनालिटी को जो है एक का एक पार्ट हो जाता है, इसको जो है आपको मेंटेन करना चाहिए, बी ऑन टाइम, आपको जो है ऑन टाइम होना चाहिए। यूज अप्रोप्रिएट वेटिंग रूम बिहेवियर, आप जो आपका डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पे जब आप पहुंचते हैं तो आप एक सिंगल कैंडिडेट भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे जो है कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पे अपने कैंडिडेचर के लिए समय के आप इंटरव्यू के लिए वेट करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। तो जनरली जो है इस प्रोसीजर में आपको घंटे 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। उस वेटिंग रूम में जहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर एक बहुत ही जो है पोलाइट और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इस इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट्स जो है नोटिस किए जाते हैं उस पोजीशन पे जबकि आप जॉब लेने जा रहे हैं। ये इनिशियल पॉइंट होता है, इंडस्ट्री जो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है ये बहुत सारे पॉइंट्स को आपके जो है नोटिस करता है। बिफोर एन इंटरव्यू जो है जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम आज जो हमारे पास सेल फोन होता है जनरली जो है हमें सेल फोन को जो है स्विच ऑफ कर लेना चाहिए या हमें जो है सेल फोन को जो है टर्न ऑफ जो है स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, साइलेंट मोड में रखना चाहिए जिससे कि इंटरव्यू के दौरान किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो और इंटरव्यू को कोई भी पॉइंट जो है बुरी ना लगे। शेक योर हैंड फॉर्मली एंड मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, आप जब इंटरव्यू पैनल के सामने जब आप जाते हैं तो आप जो है उनको विश करें और उसके साथ साथ अगर इंटरव्यू पैनल आपसे जो है सेकंड करता है तो आप जो है उनसे एक गर्म जोशी के साथ जो है उनसे जो है आप से हैंड सेकंड करें और आई कांटेक्ट रखें। पूरे इंटरव्यू के दौरान आप अपने आई कांटेक्ट को रखें यानी फेस टू फेस आपका जो है टॉक होनी चाहिए और उस दौरान बहुत ज्यादा भी किसी पार्टिकुलर बिंदु पे किसी व्यक्ति पे आपको किसी को ज्यादा जो है नोटिस करने की जरूरत नहीं है, बट जब आपका कन्वर्सेशन हो कन्वर्सेशन के दौरान बातचीत के दौरान आपके आई कांटेक्ट प्रॉपर होने चाहिए। एन इंटरेस्टेड एंड अलर्ट, आपको जो है जॉब जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस जॉब पॉइंट पे उस जॉब के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट शो होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। आप जो है पूरे इंटरव्यू के दौरान आपके पोस्चर आपके बैठने के तरीके जो है प्रॉपर होने चाहिए, आप स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए या क्वेश्चन का जवाब दें तो स्लाइटली लीन स्लाइटली फॉरवर्ड ऑन योर चेयर, आगे जो है आगे आगे की तरफ जो है हल्का सा झुकें जिससे कि आप उसको पॉजिटिव वे में जो है लिसन पॉजिटिव वे में सुन रहे हैं, पॉजिटिव वे में उसका जो है जवाब दे रहे हैं, ये जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करे। यानी आप चेयर पे अपने चेयर पे जो है स्ट्रेट पोस्चर हो और जब भी कन्वर्सेशन हो तो आप आगे की तरफ उसको झुक करके उस कन्वर्सेशन को फॉलो करें। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बीच में आपको क्या जो है ध्यान रखना है जब आपके इंटरव्यू हो रहे हो, कम्युनिकेट योर स्किल, आप जिस पद के लिए जिस पोस्ट के लिए जिस वर्क के लिए आपको जो है इंटरव्यू हो रहा है जिस वर्क के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है वो आपके अंदर वो स्किल है वो आप में जो है क्षमता है वो आपको जो है वर्क जो है बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये आप शो करें, ये आप अपने को अपियर करें इंटरव्यू पैनल के सामने कि ये वर्क हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, अगर ये अपॉर्चुनिटी आप मुझे देंगे तो मैं बहुत बेटर आउटपुट दे सकता हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आप लॉस में होंगे, यानी जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देती है तो लॉस में होगी। ये ऐसा आप स्किल को अपने स्किल को कम्युनिकेट करें उनके सामने जो है रखें अपने स्किल को अपने नॉलेज को इस तरीके से जो है आप शो करें। यूज कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ योर एडवांटेज, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि यूज कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ योर एडवांटेज, पोलाइटली स्टील द कन्वर्सेशन व्हेन यू फील द फोकस इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट यू वांट टू मेक। ये जो है कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ योर, जब आपका जो है कन्वर्सेशन
हो रहा हो, जब इंटरव्यू आपका चल रहा हो, उस पीरियड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके स्ट्रांग पॉइंट हैं, जो आपको जिस टॉपिक का अच्छा नॉलेज है, जिस स्किल का आपको अच्छा नॉलेज है, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान उस पॉइंट को आप जरूर शामिल करें, जरूर डिस्कस करें। जैसे ही आप उसको कन्वर्सेशन में आप शामिल करते हैं, इंटरव्यू पैनल को एक नया शब्द मिलता है, एक नया डायरेक्शन मिलता है इंटरव्यू में आगे बढ़ने का, तो वो इंटरव्यू पैनल उसी की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है, क्वेश्चन आपका उधर ही शिफ्ट हो जाता है, आप जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करिए जिस टॉपिक पे, जिस स्किल पे आपका जो है कंप्लीट जो है नॉलेज हो, तो इंटरव्यू पैनल को उधर आप शिफ्ट करिए। इस चीज का भी आपको इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखना है, और तो आप इंटरव्यूअर कमेटी को आप उस तरफ ले जाते हैं जिधर आपको नॉलेज होता है। आंसर टफ क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस, और कभी भी अगर कोई टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो आपको जितना आता है उसका आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है जवाब देंगे, जिससे कि जो है आपका कॉन्फिडेंस किसी भी टॉपिक पे जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कभी भी कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होना चाहिए। आस्क द इंटरव्यूअर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, कुछ कंपनी के बारे में वो पैनल कहता है कि आपको कुछ जानना है तो आप कुछ पूछें, या आप कुछ कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो हमसे पूछ लें। कभी कभी जो है ऐसा भी होता है, या आप खुद की आपकी उत्सुकता होती है कि आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कंपनी से जो है इंटरव्यू पैनल से कोई क्वारी पूछते हैं कि हमें सैलरी क्या होगी, कंपनी क्या सैलरी इस पद पे देती है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, तमाम सारी चीजें। वैसे तो आज के डेट में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वेबसाइट से, कंपनी की वेबसाइट से जो है आप ये सारी जानकारी जो है मोस्टली जो है आपको फाइंड आउट करके ही इंटरव्यू में बैठना चाहिए, जिससे कि आपको उस कंपनी के बारे में भी जो है जानकारी हो। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी पैनल देता है कि आप कुछ जानकारी हमसे चाहते हैं तो ले लें। तो एप्रोप्रिएट क्वेश्चन हो, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जॉब से रिलेटेड, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी इरिलेवेंट क्वेश्चन आपके द्वारा नहीं पूछे जाने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। आफ्टर एन इंटरव्यू, आफ्टर एन इंटरव्यू आप कुछ जो है बातों का ध्यान रखें। क्लोज द इंटरव्यू प्रॉपरली, आपका जैसे ही इंटरव्यू समाप्त होने वाला होता है उस समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक्स द इंटरव्यू बाय नेम, एक्सप्रेस इंटरेस्ट, आप जब इंटरव्यू को लीव करें, छोड़ें, तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ कि मैं जिस पद के लिए जो है इंटरव्यू दे रहा हूँ इसमें हमें इंटरेस्ट है, अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं बेहतर जो है इस जॉब प्रोफाइल के लिए मैं एक बेहतर कैंडिडेट साबित होऊंगा। और जब आप लीव करें तो थैंक्स, पॉजिटिवली जो है कमेटी को थैंक्स करते हुए, अगर बाय नेम कर सकते हैं तो बाय नेम थैंक्स करते हुए आप इंटरव्यू रूम को लीव करें। सेंड्स एंड थैंक्स यू नोट, जब आप इंटरव्यू फिनिश हो जाता है उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद, आप इंटरव्यू पैनल को, इंटरव्यू कमेटी को, कंपनी को आप मेल लिख सकते हैं, थैंक्स नोट जो है आप लिख सकते हैं, जिसमें आप थैंक्स करें कि आपने जो है हमारा इंटरव्यू जो है प्रॉपरली जो है हमारा इंटरव्यू अरेंज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटेन कॉन्टेक्ट्स, और उसके बाद भी आप जो है कंपनी से जो है कॉन्टेक्ट को मेंटेन करें, रेगुलर उनके कॉन्टेक्ट में रहें, आपको अपॉर्चुनिटी के ज़्यादा चांसेज हैं। एक इन पॉइंट्स का जो है आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू आपका काफ़ी सक्सेस होगा। अबाउट योर सेल्फ, अब अगला पॉइंट आता है, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है तो आप अपने बारे में भी जो है एक अबाउट योर सेल्फ एंड अपने नेम, अपने पर्सनल डिटेल्स, फादर ऑक्यूपेशन, तमाम सारी बातों को पॉजिटिवली जो है आप प्रेजेंट करें अबाउट योर सेल्फ के टॉपिक में। एंड उसके बाद आता है टेक्निकल इंटरव्यू, जो जिस जॉब के लिए आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो जो हमारी स्पिनिंग मिल है, तो स्पिनिंग मिल में जो कुछ जो है स्पिनिंग मिल से रिलेटेड, जो हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ फ्लो हो रही है उससे रिलेटेड को जो है कॉमन बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट की होता है वो हम जनरली जो हमने नोटिस किया है कि टेक्सटाइल फाइबर
मेन सब्जेक्ट फॉर इंटरव्यू में जो है टेक्सटाइल फाइबर, जो हमारी बेसिक यूनिट है इस स्पिनिंग की, जो बेसिक यूनिट है टेक्सटाइल फाइबर, जो फाइबर से क्वेश्चन एराइज होते हैं। टेक्सटाइल टेस्टिंग, जो क्वालिटी पॉइंट ऑफ का जो क्वेश्चन है, क्वालिटी एस्पेक्ट है हमारे प्रोसेस का, हमारे मटेरियल का, वहाँ पे क्वेश्चन जो है टेस्टिंग से पूछे जाते हैं। एंड स्पिनिंग टेक्नोलॉजी, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, उससे कुछ क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं। मिसेलनियस क्वेश्चन एंड आंसर, और कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी हो सकते हैं। वैसे इस कोई भी इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती है। इंटरव्यूअर फ्री होता है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, और आपको बहुत कूल माइंड से किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। आपको माइंड नहीं करना है कि हमसे इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो टेक्निकल क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम टेक्सटाइल फाइबर, जो जनरली जो क्वेश्चन और आंसर जो और उस क्वेश्चन के जो आंसर है टेक्सटाइल फाइबर से, उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। व्हाट इज फाइबर फाइननेस? फाइबर फाइननेस हमारी क्या होती है? फाइननेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिटरमाइनिंग द यार्न क्वालिटी, फाइन आर कोर्स, जो है फाइननेस आर कोर्सनेस के केस में जो है फाइननेस हमारी जो है यार्न के लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फाइननेस। व्हाट इज स्टेपल लेंथ? द एवरेज लेंथ ऑफ स्पिनेबल फाइबर इज कॉल्ड स्टेपल लेंथ। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर। हमारे दो तरीके के फाइबर होते हैं आपको पता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको हम और आंसर हमने दिया है एक जनरल आइडिया के लिए दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, और भी आपको जो है प्रिपेयर कर लेना चाहिए, फाइबर से क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर लेना चाहिए। यहाँ हम सारे क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में जो है कंसीडर नहीं हो सकते, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कंसीडर किया है। आइए देखते हैं व्हाट इज फार्मूला ऑफ मॉइस्चर रिगेन। मॉइस्चर रिगेन का फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर इन मटेरियल डिवाइड बाय, यानी जो हमारा टेक्सटाइल मटेरियल है उस टेक्सटाइल मटेरियल में वाटर का वेट, डिवाइड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ मटेरियल, यानी उस ओवन ड्राई टेक्सटाइल मटेरियल को हम ओवन ड्राई करते हैं उसके बाद उसका वेट इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हमारा होगा मॉइस्चर रिगेन। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। यहाँ पे जो है आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे नेचुरल फाइबर हैं, ये हमारे जो है मैनमेड फाइबर है। अब जैसे एक क्वेश्चन आप मान लीजिए आपको नेचुरल फाइबर का एक हम रिव्यू दे देते हैं, फिर क्वेश्चन आपसे हम एराइज करते हैं। सेलुलोजिक फाइबर, ये हमारे जो है नेचुरल फाइबर को हम क्लासिफाई करेंगे सेलुलोजिक फाइबर में, प्रोटीन फाइबर में, मिनरल फाइबर में। तो सेलुलोजिक फाइबर ये हमारे जो है सेलुलोजिक फाइबर बास्ट फाइबर है, लीफ फाइबर है, सीड्स फाइबर है। प्रोटीन फाइबर में हमारे जो है ये स्टेपल लेंथ के फाइबर है और ये फिलामेंट हमारा है, तो ये हमारे प्रोटीन फाइबर है और ये हमारा मिनरल फाइबर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि दो बास्ट फाइबर का नाम बताइए, यानी बास्ट फाइबर को आपकी कैटेगरी पता होना चाहिए कि बास्ट फाइबर हमारा नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आता है। यही क्वेश्चन बनेगा कि बास्ट फाइबर नेचुरल फाइबर होते हैं या सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि बास्ट फाइबर जो है नेचुरल फाइबर होते हैं। अब बास्ट फाइबर, दो बास्ट फाइबर के नाम बताइए, तो आप आगे दो बास्ट फाइबर के नाम हेम्प एंड जूट, दो बास्ट फाइबर है। अगर आप और बताए और पूछा जाए तो आगे जो है फ्लैक्स है, जूट है, रेमी है, ये हमारे जो है बॉक्स बास्ट फाइबर है। इसी तरीके से जो है अगर हम सिंथेटिक फाइबर, ये हमारे मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, अगर इसमें आते हैं तो मैन्युफैक्चर ये टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, दो तरीके के हमारे फाइबर क्लासिफाई होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम अगर पूछें कि जो है इनऑर्गेनिक, इन एक मैनमेड जो है इनऑर्गेनिक फाइबर का नाम बताइए, तो जो है ग्लास फाइबर, ग्लास फाइबर और आपका जो है इनऑर्गेनिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अराइज हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आगे उठता है कि नेचुरल पॉलीमर के नाम बताइए, आगे हम बढ़ेंगे इस सिंथेटिक फाइबर में। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर में नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर में हमारे फाइबर हैं जो है, तो इस तरीके से नेचुरल फाइबर में विस्कोस हमारा जो है नेचुरल फाइबर है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस
क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर से राइज होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर को आप एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें, देख लें कौन कौन से फाइबर किस कैटेगरी में आते हैं, उनके नाम क्या है। मॉइस्चर रिगेन ऑफ सम टेक्सटाइल फाइबर, मॉइस्चर रिगेन एक टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से मॉइस्चर रिगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मॉइस्चर रिगेन को आप जाने कि मॉइस्चर रिगेन क्या होता है और डिफरेंट फाइबर में मॉइस्चर रिगेन कितना होता है। तो हमने आपको जो है ऊपर मॉइस्चर रिगेन का फार्मूला बताया था और यहाँ पे जो है परसेंटेज इन डिफरेंट फाइबर, कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है जिसमें जनरली जो है आप कॉटन इंडस्ट्री में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि कॉटन का मॉइस्चर रिगेन कितना होता है। तो कॉटन का मॉइस्चर रिगेन जो है फाइबर के केस में 8.5। और इस तरीके से ये हमारे फाइबर हैं, फ्लैक्स है, जूट है, हेम्प है, वूल है, एक्रेलिक है, इन सभी फाइबर के आप मॉइस्चर रिगेन को आप देख लें कि हमारे मॉइस्चर रिगेन कितना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइबर डेंसिटी ऑफ फाइबर, फाइबर डेंसिटी ऑफ फाइबर, हाँ कॉटन फाइबर की फाइबर डेंसिटी है और हमारे कई सारे यहाँ पे फाइबर की डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है। तो आप इन फाइबर की डेंसिटी को देख लें कि फाइबर की हमारी डेंसिटी क्या होती है और इसको जो है याद कर लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखें कि हमारे कौन कौन से फाइबर हैं, उन फाइबर की फाइबर डेंसिटी कितना होती है। जैसे आप ग्लास फाइबर की जो है फाइबर डेंसिटी पूछी जाए तो ग्लास फाइबर की फाइबर डेंसिटी होती है हमारी 2.54। और यही अगर ग्लास फाइबर का मॉइस्चर रिगेन पूछा जाता तो ग्लास फाइबर का मॉइस्चर रिगेन ऊपर आपने टेबल में देखा कि ग्लास फाइबर का मॉइस्चर रिगेन है 0। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। तो इस तरीके से जो है आप ये सब पॉइंट्स को जो है याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। वूल फाइबर का मॉइस्चर रिगेन पूछा जाए तो 1.30 से 1.38, और इस तरीके से आप जो है इन मॉइस्चर रिगेन के साथ साथ जो है फाइबर डेंसिटी को भी याद रखिए। जो है आगे बढ़ते हैं, माइक्रोनेयर वैल्यू कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर की फाइननेस को जो है किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो कॉटन फाइबर की फाइननेस को हम लोग जो है माइक्रोनेयर में मेजर करते हैं। तो माइक्रोनेयर क्या होता है, वेट इन माइक्रोग्राम ऑफ 1 इंच लेंथ ऑफ फाइबर, ये हमारी जो है कॉटन फाइबर की फाइननेस होती है माइक्रोनेयर। और माइक्रोनेयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेट इन माइक्रोग्राम ऑफ 1 इंच लेंथ ऑफ फाइबर इज कॉल्ड माइक्रोनेयर। डेनियर, हम सभी जो है मैनमेड फाइबर का, मैनमेड फाइबर और फिलामेंट के केस में फाइबर की फाइननेस डेनियर या डेसीटेक्स में मेजर करते हैं। तो डेनियर जो है वेट इन ग्राम पर 9000 मीटर ऑफ फाइबर, यानी फाइबर का वेट किस में, ग्राम में, में 9000 मीटर लेंथ का जो वेट ग्राम में होगा वो हमारा डेनियर होगा। माइक्रॉन, जो वूल फाइबर है, वूल फाइबर की फाइननेस को हम माइक्रॉन में मेजर करते हैं। और उस माइक्रॉन को हम कैसे जो है फाइबर का डायमीटर मेजर करते हैं, किसमें, माइक्रोमीटर में। तो फाइननेस, फाइननेस इज एक्सप्रेस्ड एज फाइबर डायमीटर इन माइक्रॉन, यानी जो है फाइबर, वूल फाइबर की फाइननेस को हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं, माइक्रॉन में। और माइक्रॉन क्या होता है, माइक्रोमीटर, यानी डायमीटर को हम मेजर करेंगे किसमें, माइक्रोमीटर में, वो हमारा माइक्रॉन होगा। तो जैसे कि है 17.5, 18.5, 19.5, ये हमारा जो है क्या है, माइक्रोमीटर, डायमीटर में जो उसकी क्रॉस सेक्शन है डायमीटर को हम मेजर करते हैं वो कितना है, 19.5 माइक्रोमीटर है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइक्रॉन। कन्वर्जन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन, आप आसानी से जो है डेनियर से माइक्रॉन में और माइक्रोनेयर से डेनियर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और आसानी से आप कन्वर्ट कर लेंगे। काउंट, इस आपको जो है स्पिनिंग का इंटरव्यू हो, वीविंग का इंटरव्यू हो, इस जो है इनिशियल पॉइंट पे काउंट के डिफिनेशन जो है जरूर पूछी जाती है। काउंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो जो पूरा काउंट का सेक्शन है, इस काउंट के लिए हमने जैसे आपको ऊपर पढ़ाया फाइबर, फाइबर के लिए जो है हम हमारे जो है यूट्यूब पे स्टडी विद परम में कई वीडियो हैं, नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, उन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लें जिससे कि आपका फाइबर का रिवीजन हो जाएगा और फाइबर के क्वेश्चन को आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। काउंट, हम यहाँ काउंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में सारे पॉइंट्स को जो है कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो हम आपको जो है काउंट के लिए स्पेशली जो हमारे दो लेक्चर जो है यूट्यूब पे हैं, स्टडी विद परम में फाइबर फाइननेस एंड यार्न नंबरिंग सिस्टम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ यार्न काउंट, ये जो है दो लेक्चर हमारे जो है यूट्यूब वीडियो पे हैं स्टडी विद परम में, उन दो लेक्चर को आप अच्छे से ध्यान से सुन लें जिससे आपको काउंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं काउंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। काउंट काउंट ऑफ यार्न, काउंट या यार्न काउंट इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच इंडिकेट द कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ यार्न। यानी काउंट को हम यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि काउंट इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी नंबर में हम लोग काउंट को एक्सप्रेस करते हैं, विच इंडिकेट द कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ यार्न, जो यार्न की जो है कोर्सनेस यानी मोटापा और पतलापन को जो है बताता है। टेक्स, हम जो है टेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। टेक्स इज डिफाइन एज वेट ऑफ यार्न इन ग्राम पर 1000 मीटर ऑफ यार्न और 1 किलोमीटर लेंथ। यानी 1 किलोमीटर लेंथ की या 1000 मीटर लेंथ का जो वेट ग्राम में होगा वो हमारा टेक्स कहलाएगा। डेनियर, इस तरीके से हम डेनियर को देखते हैं, वेट इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर ऑफ यार्न वो हमारा डेनियर होगा। इंग्लिश काउंट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हैंक ऑफ यार्न ईच ऑफ 840 वेट इन 1 पाउंड, यानी 1 पाउंड में 840 की जितनी लच्छियों की संख्या होगी उसको हम इंग्लिश काउंट कहेंगे। तो इस इंग्लिश काउंट को आप और इस पूरे काउंट सिस्टम को अच्छी तरीके से आप जान लें, अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें, काउंट को समझ लें, न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व कर लें, जिससे आपको काउंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लिए हमारी यूट्यूब पे वीडियो है, 2 लेक्चर हैं, फाइबर फाइननेस एंड यार्न काउंटिंग सिस्टम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ यार्न काउंट। इसको आप अच्छी तरीके से लेक्चर को सुन लें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेट्रिक काउंट, मेट्रिक काउंट हमने आपने इंग्लिश काउंट देखा, उसी तरीके से हमारा जो है मेट्रिक काउंट है, इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ हैंक ईच ऑफ 1000 मीटर और 1 किलोमीटर वेट इन 1 केजी। यानी 1 केजी वेट में 1 किलोमीटर मीटर की 1 किलोमीटर की जितनी लच्छियों की संख्या होगी, जितने नंबर ऑफ रैंक होंगे उसको हम काउंट कहते हैं। व्हाट इज टेनेसिटी, टेनेसिटी क्या चीज होती है, इसको आप प्रिपेयर कर लें। द टेनेसिटी ऑफ ए फाइबर इज मास स्ट्रेस एट ब्रेक। यानी जो है फाइबर की जो है टेनेसिटी स्ट्रेंथ को जो है इंडिकेट करता है टेनेसिटी। मास स्ट्रेस जो है यूनिट होती है ग्राम पर टेक्स। टेनेसिटी की आपसे पूछा जाए टेनेसिटी की यूनिट क्या होती है, तो टेनेसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर टेक्स। टेनेसिटी इक्वल टू, यानी टेनेसिटी इक्वल टू हो जाएगा ब्रेकिंग लोड और मास स्ट्रेस डिवाइड बाई लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी हमारा क्या है, लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारी जो है टेनेसिटी हो गई। आईपीआई, व्हाट इज आईपीआई, इम्परफेक्शन इंडेक्स। यार्न में जो है, यार्न में जो है जो डिफेक्ट आता है कौन कौन सा, नेप्स का, हमारी नेप्स थिन प्लेसेस थिक प्लेसेस वो जो है उसको उस्टर मेजर करता है। तो इसको जो है जो लेंथ हमारी मेजर होती है उस लेंथ में जो है जो इनकी वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इंडेक्स। इट इंडिकेट्स यार्न थिक प्लेसेस थिन प्लेसेस एंड स्लब्स इन यार्न। आईपीआई इम्परफेक्शन इंडेक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीएमडी एंड सीवी। पीएमडी और सीवी का क्या मतलब है, पीएमडी क्या चीज होता है, परसेंटेज मीन डेविएशन। सीवी परसेंटेज क्या था, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में, ठीक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसबीआई एंड एफिस। ये जो है बहुत ही हमारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, आज की क्वालिटी एस्पेक्ट से ये दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एचबीआई है हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट, एफिस है एडवांस फाइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज यूआर, यानी यूनिफॉर्मिटी रेशियो। यूनिफॉर्मिटी रेशियो इक्वल टू 50% स्पन लेंथ डिवाइड बाई 2.5% स्पन लेंथ इंटू 100। ये हमारी जो है इन्फॉर्मिटी रेशियो आ जाती है। राइट सम यार्न फॉल्ट विच आर जनरली शोन, थिक प्लेसेस थिन प्लेसेस नेप्स स्लब्स एंड हेरिनेस। ये यार्न में हमारे जो है फॉल्ट होते हैं जो जनरली जो अपीयर होते हैं जो देखते हैं, थिक प्लेसेस थिन प्लेसेस नेप्स स्लब्स एंड हेरिनेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीएसपी, सीएसपी क्या है, ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीएसपी काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट, इसको आपको जो है जानना है कि काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट है। हम जो है यार्न का काउंट निकाल लेते हैं और यार्न की ली स्ट्रेंथ फाउंड कर ले, ये स्ट्रेंथ आपकी ली स्ट्रेंथ है। तो सीएसपी इक्वल टू हो जाती है काउंट इंटू स्ट्रेंथ। डिफरेंट रिलेशन, यहाँ पे हम कुछ आपको रिलेशन बता रहे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि डेनियर इक्वल टू 9 टेक्स। अगर डेनियर और टेक्स में रिलेशन पूछा जाए
कि टेनियर और टैक्स में क्या रिलेशन होता है, तो आप बताएंगे टेनियर इक्वल टू 9 टैक्स या टैक्स इक्वल टू टेनियर डिवाइड बाई 9। यहाँ पे जो है टेनियर इंटू इंग्लिश काउंट, टेनियर और इंग्लिश काउंट में क्या रिलेशन होता है, तो यानी इंग्लिश काउंट इंटू टेनियर इक्वल टू 5,315। इस तरीके से हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो है रिलेशन दिए गए हैं जिनको आप जो है ध्यान में रखेंगे, इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम स्पिनिंग, जो स्पिनिंग में जो है जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट दिया है पूरे प्रोसेस का, स्पिनिंग के प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बताया है। इस फ्लो चार्ट से आप जो है न्यू कॉमर हैं, जो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे फ्लो चार्ट पूछा जा सकता है कि ये बताइए कॉम्बिंग में कौन सा मटेरियल फिट करते हैं, किस मशीन का मटेरियल फिट करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा, आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से स्टडी कर लें तो ये आपको हेल्प करेगा कि कॉम्बिंग में कौन सा मटेरियल हेल्प जो है फिट किया जाता है, और कॉम्बिंग का मटेरियल किस मशीन पे फिट किया जाता है, ये आपको हेल्प मिलेगा। और सपोज दैट रिंग सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स पे जो है कौन सा मटेरियल फिट किया जाता है, तो आपको इस जो है फ्लो चार्ट्स में जो है ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगी। तो आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जैसे जो है ब्लोरूम में हमारा क्या मटेरियल फीड होता है, फाइबर बेल, बेल फार्म में हमारा जो मटेरियल आता है उसको ओपन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं और उसको हम फीड करते हैं, और हमारा मेटल जो ब्लोरूम से डिलीवर होता है वो लैब फार्म में डिलीवर होगा या चूट से जो है सीधे कार्ड में जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रोसेस फॉलो होता है, लैब चूट कार्डिंग में से स्लाइबर बनता है, स्लाइबर हमारा जो है प्री कॉम्ब ड्रॉ फ्रेम पे ड्रा, उसके बाद जो है स्लाइवर जो है लैब पे जाता है। अगर ये जो प्रोसेस है कॉम्ब यार्न का प्रोसेस है, ये स्लाइवर जो है प्री ड्रॉ फ्रेम क्रॉम स्लाइवर फीड होगा लैब फ्रेम पे यानी लैब फार्मर पे, और जो है लैब फार्म होगी और लैब फीड होगी हमारे कॉम्बर में, और कॉम्बर से जो मेटेरियल निकलेगा वो फिनिश ड्रॉ फ्रेम पे जाएगा, और फिनिश ड्रॉ फ्रेम से मेटेरियल हमारा निकल करके सिंप्लेक्स पे, सिंप्लेक्स से रिंग फ्रेम से वाइंडिंग से रिलिंग और बंडलिंग एंड बेलिंग, इस तरीके से जो है हमारा मटेरियल फ्लो होता है। तो इस जो है फ्लो चार्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ जिनिंग, जनरली जो है जिनिंग का ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि जिनिंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा, तो आप ये ऑब्जेक्ट को जो है ध्यान में रखें, रिमूव द फाइबर फ्रॉम द सीड्स, रिमूव द नेप्स एंड वेस्टेज इन सम एक्सटेंट, कलेक्ट द सीड्स एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली, सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ सीड्स, यानी सीड्स से जनरली जो हमारा मेन पर्पज होता है जिनिंग का कि सीड्स फाइबर से जो है सीड्स से फाइबर को सेपरेट करना, ये हमारा जिनिंग का मेन पर्पज हो जाता है। टाइप्स ऑफ जिनिंग, कौन कौन सी मशीनें जिनिंग में इन्वॉल्व होती हैं, नाइफ रोलर जिनिंग, सॉ जिनिंग एंड मकाथे जिनिंग, ये हमारी जो है जिनिंग इन्वॉल्व होती है जिनिंग प्रोसेस में, तो जिनिंग से क्वेश्चन हो सकते हैं। मिक्सिंग हमारी मिक्सिंग क्या होती है, सेम व्हेन सेम काइंड बट डिफरेंट ग्रेड, यानी सेम काइंड यानी कॉटन के ही दो क्वालिटी को मिक्स किया जाए, तो सेम काइंड यानी कॉटन हमारा सेम काइंड एक तरीके का है लेकिन अलग अलग जो है ग्रेड की कॉटन को मिक्स किया जा रहा है। व्हेन सेम काइंड बट डिफरेंट ग्रेड ऑफ फाइबर आर मिक्सड टूगेदर देन इट इज टर्म एज मिक्सिंग, तो उसको हम मिक्सिंग करते हैं। ब्लेंडिंग क्या होती है, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर इट मे बी इक्वल आर नियरली इक्वल ग्रेड आर मिक्स टूगेदर आर विद इन ए पार्टिकुलर रेशियो व्हेन मिक्सचर इज नोन एज ब्लेंडिंग, क्या है कि जो जब दो डिफरेंट फाइबर एक साथ मिक्स किए जाते हैं जिनके पैरामीटर नियर अबाउट सेम हो तो वो हम उसको क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर और कॉटन को अगर मिक्स किया जाता है तो ये हमारे दो डिफरेंट फाइबर है, इनको हम कहेंगे ब्लेंडिंग, इस मिक्सिंग को हम क्या कहेंगे, ब्लेंडिंग कहेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा पर्पज क्या होता है मिक्सिंग का, इसका आप क्या जवाब देंगे, इकोनॉमी यानी जो है फाइबर की कास्ट को, यार्न की कास्ट को कम करना, मिक्सिंग करके कास्टिंग को कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस, जो हमारा जो प्रोसेसिंग पैरामीटर है, प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस है, मशीनों की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, फंक्शनल प्रॉपर्टीज और जो है फंक्शनल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना, ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है मिक्सिंग का। फंक्शन ऑफ ब्लोरूम, ब्लोरूम का क्या फंक्शन होगा, क्या ऑब्जेक्ट होगा ब्लोरूम का, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ब्लोरूम का क्या ऑब्जेक्ट होगा, आप जो है बता सकते हैं ओपनिंग
मेटल की ओपनिंग करना, क्लीनिंग करना, मिक्सिंग करना और लाइफ फॉर्मिंग या सीधे जो है चोक फिट के माध्यम से कार्ड में फिटिंग होता है मेटेरियल का। तो ये हमारे ब्लोरूम के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्डिंग, कार्डिंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो है आंसर हो सकता है टू ओपन द कार्टन इनटू सिंगल फाइबर स्टेट, यानी फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन, फाइबर टू फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन जो है कार्डिंग का हमारा ऑब्जेक्ट होता है। रिड्यूस नंबर ऑफ नेप्स, शॉर्ट फाइबर को रिड्यूस करना, नेप्स को रिमूव करना, ये हमारा कार्डिंग का ऑब्जेक्ट होता है। प्रोड्यूस ए थिक अनट्विस्टेड रोप ऑफ फाइबर कॉल्ड स्लाइबर, और जो आप फाइबर जो मिक्सिंग फाइबर जो आप फिट किए हैं उस फाइबर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एक रोव जो है स्लाइवर फॉर्म में, फाइबर अरेंज्ड फॉर्म में, पैरालाइज फॉर्म में हमारे फाइबर अरेंज हो जाते हैं और स्लाइवर हमारा डिलीवर होता है। तो ये हमारा कार्डिंग का ऑब्जेक्ट हो जाता है। कार्डिंग इज कॉल्ड हर्ट मदर ऑफ स्पिनिंग, ये ट्रू है या फॉल्स है, कार्डिंग को हम हर्ट ऑफ स्पिनिंग कहते हैं, ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। व्हाट इज क्लीनिंग एफिशिएंसी इन ब्लो रूम, ब्लो रूम की क्लीनिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ट्रेस कॉटन में, ट्रेस इन कॉटन माइनस ट्रेस इन लैब डिवाइड बाय ट्रेस इन कॉटन इनटू 100, इस फॉर्मूले से हम क्लीनिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ब्लो रूम प्रोडक्शन, ब्लो रूम का प्रोडक्शन पर आवर में पाई डी एन जो है, जो हमारा लैब अगर जो फार्म हो रही है, अगर लैब फार्म हो रही है तो जो आपका जो है जो कैलेंडर रोलर है वहाँ पे जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि पाई डी एन इंटू 60 इंटू एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ स्केचर डिवाइड बाय 36 इंटू 840 इंटू लैब हैंग, इस फार्मूले से हम ब्लोरूम का 1 आवर का प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्डिंग प्रोडक्शन के जी पर मशीन पर डे, प्रोडक्शन डिलीवरी मीटर पर मिनट इंटू वेट ग्राम पर मीटर इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाय 1000, इस फार्मूले से हम जो है कार्डिंग का प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप फार्मूले को जो है ध्यान में रखें, याद रखें, इससे जो है हम कार्डिंग का प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो है हमारा होता है फाइंड आउट द हैंक ऑफ लैफ व्हेन द वेट ऑफ लैफ इज 14 आउंस, जो कह रहे कि जो हमारी लैफ है उस लैफ का जो हैंक है कितना है, 14 आउंस है। तो उस केस में जो है हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है, हैंक फाइंड आउट करना है किसका, लैफ का। तो लैफ हैंक इक्वल टू यानी काउंट इक्वल टू होता है लेंथ डिवाइड बाय वेट, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, ये हमारी सिंपल लेंथ है और ये हमारी जो है यूनिट लेंथ है और यहाँ पे हमारा वेट है और ये हमारा यूनिट वेट है, वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारी जो स्लाइबर हैंक आती जो हैंक आता है लैब का वो 0.00136 हैंक आएगा। टास्क ऑफ ड्रा फ्रेम, ड्रा फ्रेम का जो है टास्क क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वलाइजिंग जो है यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करता है, पैरालाइजिंग फाइबर जो है पैरालाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग या मिक्सिंग होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है ड्रा फ्रेम का, और डस्ट रिमूवल, डस्ट रिमूव करता है, यानी ड्रा फ्रेम का जो है इक्वलाइजिंग पैरालाइजिंग ब्लेंडिंग एंड डस्ट रिमूवल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। टोटल ड्राफ्ट, टोटल ड्राफ्ट हम जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ड्राफ्ट इक्वल टू बी डी इंटू एम डी इंटू एफ टी, यानी ब्रेक ड्राफ्ट इंटू मिडिल ड्राफ्ट इंटू फ्रंट ड्राफ्ट, ये हमारा जो है टोटल ड्राफ्ट होगा। ड्रा फ्रेम प्रोडक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्रा फ्रेम का फार्मूला, प्रोडक्शन का फार्मूला बताइए, तो ये हमारा क्वेश्चन है और आंसर होता है डिलीवरी जो है मीटर पर मिनट में टेंशन ड्राफ्ट इंटू 1.0941 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाय 840 इंटू इंग्लिश काउंट यानी हैंक इंटू 2.202 इंटू 100, यानी एफिशिएंसी हमारी एफिशिएंसी परसेंटेज में यहाँ पे 100 से डिवाइड किया। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम जो है ड्रा फ्रेम का प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्शन के फार्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है ग्राम्स पर मीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इस वैल्यू को यानी से डिवाइड कर देंगे तो इस कांस्टेंट को, तो हमारा जो है ग्राम्स पर मीटर में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है ग्राम्स पर यार्ड, इस वैल्यू से टैक्स, टैक्स जो है टेनियर हमें पता है, टैक्स में कन्वर्ट करना है वैल्यू को तो 0.11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टैक्स में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से फार्मूले से जो हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एन ई और एन एम में रिलेशन है, ड्राफ्ट इक्वल टू फीड वेट इन ग्राम, ड्राफ्ट इक्वल टू जो है ड्राफ्ट में
या हम सिंप्लेक्स पे जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ड्राफ्ट इक्वल टू फीड वेट इन ग्राम डिवाइड बाय डिलीवरी वेट इन ग्राम पर मीटर। और ड्राफ्ट को जो है दूसरे शब्दों में यानी टैक्स फीड का और टैक्स डिवाइड बाय टैक्स डिलीवर का, डिलीवर मटेरियल का टैक्स, ड्राफ्ट जो है दूसरा फार्मूला हो जाता है। डिलीवरी रोलर सरफेस स्पीड, यानी जो डिलीवरी रोलर है उसका सरफेस स्पीड डिवाइड बाय फीड रोलर सरफेस स्पीड, इससे भी हम ड्राफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राफ्ट का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉम्बिंग पे आते हैं, टास्क ऑफ कॉम्बिंग प्रोसेस। कॉम्बिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है, टू रिमूव प्री डिटरमाइंड लेंथ ऑफ शॉर्ट फाइबर एंड नॉइल परसेंटेज। नॉइल यानी एक सर्टेन लेवल तक जो है शॉर्ट फाइबर को रिमूव करना, एक जो है हमारा कॉम्बिंग का ऑब्जेक्ट हो जाता है। रिमूव नेप्स, नेप्स का रिमूवल, रिमूव रिमेनिंग इम्प्योरिटीज, जो अदर इम्प्योरिटीज हैं उसका रिमूवल जो है कॉम्बिंग करती है। एंड स्ट्रेटनिंग हुक फाइबर, और जो है जो हुक फाइबर है उसको जो है स्ट्रेट करता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कॉम्बर का ऑब्जेक्ट हो जाता है। कॉम्बर का प्रोडक्शन जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉम्बर के प्रोडक्शन का फार्मूला बताइए। तो आप जो है राइट डाउन लिख सकते हैं एनपीएम निप्स पर मिनट। एनपीएम हमारा क्या है, निप्स पर मिनट, यानी जो कॉम्बर की स्पीड है उसको हमको उसको निप्स पर मिनट में लिखते हैं। फीड इंटू फीड पर निप, यानी एक निप में जो है कितना फीडिंग हो रही है, फीड पर निप एमएम में लेंथ है इसलिए हमने 1000 से डिवाइड किया। इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3, यानी एक घंटे का प्रोडक्शन इंटू 8 आवर का प्रोडक्शन इंटू 3 यानी 24 आवर का प्रोडक्शन इंटू 1 माइनस टेंशन ड्राफ्ट, यानी जो हमारी लेफ्ट फीड हो रही है उसमें जो टेंशन इनपुट जो टेंशन एक्सर्ट होता है उसको यहाँ डिवाइड बाय 100। इंटू इफिशंसी, इफिशंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू 100 माइनस वेस्ट परसेंटेज इंटू लेफ्ट वेट ग्राम में है इसलिए 1000 से डिवाइड किया। इंटू नंबर ऑफ हेड, और जितने नंबर ऑफ हेड हैं उससे जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है ये आ जाती है। ये वैल्यू हमारी आएगी किस में, केजी, केजी पर मशीन पर डे हमारा जो है प्रोडक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। लिस्ट ऑफ वेस्ट इन कॉटन स्पिनिंग मिल, जो कॉटन हमारी जो स्पिनिंग मिल है उस स्पिनिंग मिल में जो है कुछ हर एक स्टेज पे मशीनों में वेस्ट जो है फॉर्म होता है, वेस्ट सर्टेन वेस्ट जो है रिमूव होता है, तो उसका लेवल कितना होता है। तो यहाँ पे इस पे आपको वेस्ट का रेंज दिया गया, आप इससे जो है अनुमान लगा सकते हैं या इस जानकारी रख सकते हैं कि वेस्ट का लेवल क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कार्डिंग में वेस्ट कितना होता है, तो कार्ड का वेस्ट का रेंज है 3 to 5%, यानी ब्लो रूम वेस्ट 3%, कार्डिंग वेस्ट 3 to 5%, ड्रा फ्रेम वेस्ट 0.5%, लैफ फार्मर ऑफ वेस्ट 0.5, कॉम्बर ऑफ वेस्ट 12 to 18%। जहाँ पे हम लोग शॉर्ट फाइबर को रिमूव करते हैं ये डिपेंड करता है रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर, लेवल ऑफ रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर। सिंप्लेक्स ऑफ वेस्ट 0.5%, रिंग फ्रेम वेस्ट 2 to 3%, वाइंडिंग सेक्शन वेस्ट 1%, वाइंडिंग में जो है हमारा हार्ड वेस्ट होगा। हाउ टू कैलकुलेट ऑटो कोनर प्रोडक्शन, ऑटो कोनर का प्रोडक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑटो कोनर का प्रोडक्शन का फार्मूला होता है कि मीटर पर मिनट, यानी जो है जो आपकी वाइंडिंग स्पीड है मीटर पर मिनट में, इंटू 1.0941 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाय 840 इंटू डिवाइड बाय यानी इंटू 2.202 इंटू 100, यानी ये जो हमारा जो ऑटो कूनर का प्रोडक्शन आएगा पर डे जो प्रोडक्शन आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं केजी में। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स का क्या ऑब्जेक्ट होगा, जो सिंप्लेक्स मशीन है जिसपे हमारा जो है क्या फार्म हो रहा है, सिंप्लेक्स क्या प्रोड्यूस करती है। तो सिंप्लेक्स हमारी प्रोड्यूस करती है रोबिंग, रोबिंग प्रोड्यूस करती है। तो सिंप्लेक्स का क्या ऑब्जेक्ट होगा, टू ड्राफ्ट द ड्राफ्ट फ्रेम स्लाइवर टू रिड्यूस वेट पर यूनिट लेंथ, यानी वेट पर यूनिट लेंथ को रिड्यूस करके स्लाइवर को किस में कन्वर्ट कर देना, रोबिंग फार्म में कन्वर्ट करना। टू स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इंटू रोबिंग, और जो रोबिंग फार्म होती है उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्विस्ट को इंसर्ट करना। टू वाइंड ट्विस्टेड रोबिंग ऑन टू ए बॉबिन, और इस ट्विस्टेड बॉबिन ट्विस्टेड रोबिंग को बॉबिन पे पैकेज पे वाइंड अप करना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, किसका, सिंप्लेक्स मशीन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। स्पीड फ्रेम प्रोडक्शन, यानी सिंप्लेक्स को हम स्पीड फ्रेम, फ्लाई फ्रेम, स्पीड फ्रेम कई नामों से जानते हैं। तो हम स्पीड फ्रेम का जो प्रोडक्शन का फार्मूला है
फ्लायर स्पीड, यानी जो स्पिंडल हमारा है फ्लायर है, फ्लायर स्पीड इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ स्पिंडल, मशीन में नंबर ऑफ स्पिंडल कितने हैं, डिवाइड बाय टीपीआई ट्विस्ट पर इंच इंटू 36 इंटू 840 इंटू एनए इंटू 2.202 इंटू 100। इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो केजी पर डे में हमारा प्रोडक्शन जो है सिंप्लेक्स मशीन का कैलकुलेट हो जाता है। व्हाट इज ड्राफ्ट रेंज पॉसिबल एट रिंग फ्रेम, रिंग फ्रेम पे जो है क्या ड्राफ्ट फ्रेम, ड्राफ्ट की रेंज क्या होती है? तो जनरली जो है जो रिंग फ्रेम हमारा 60 ड्राफ्ट तक दिया जा सकता है, लेकिन एक काउंट टू काउंट वेरी करेगा, यानी मैक्सिमम ड्राफ्ट 60 है, इतना हम कभी ड्राफ्ट देते नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के 40 काउंट में जो है 36.64 जनरली इसी के प्लस माइनस में ड्राफ्ट की रेंज होगी, 62 काउंट में जो 40.941 यानी इसी के प्लस माइनस में हमारी ड्राफ्ट की रेंज होगी। व्हाट इज ब्रेक ड्राफ्ट पॉसिबल एट रिंग फ्रेम मशीन, रिंग फ्रेम मशीन में जो है ड्राफ्ट की ब्रेक ड्राफ्ट क्या होता है? तो जनरली जो ब्रेक ड्राफ्ट होता है, ब्रेक ड्राफ्ट हमारा क्या होता है, जो बैक रोलर होता है और बैक रोलर के जो आगे रोलर होता है उसके बीच में लगने वाले ड्राफ्ट को हम लोग बैक ड्राफ्ट या ब्रेक ड्राफ्ट कहते हैं। तो ये ड्राफ्ट हमारा मिनिमम होना चाहिए, कम से कम ड्राफ्ट होना चाहिए। तो रिंग फ्रेम में जो ड्राफ्ट की रेंज कितनी होती है, 1.07 टू 2.24 ये हमारी रेंज होती है। जनरली हम लोग कॉटन के केस में 1.13 तक हम जो है ब्रेक ड्राफ्ट रखते हैं। व्हाट इज द ट्विस्ट रेंज पॉसिबल रिंग फ्रेम, जो है ट्विस्ट की रेंज क्या होती है रिंग फ्रेम में? तो ट्विस्ट की जो रेंज टीपीआई की जो रेंज होती है 3.55 टू 64.77 नियर अबाउट इसी के जो है रेंज में हमारी जो है ट्विस्ट रिंग फ्रेम से हम दे सकते हैं। 40 काउंट में जनरली जो हमारी टीपीआई की जो रेंज होती है 25.11 और अगर 62 काउंट है तो जनरली हमारी जो ट्विस्ट की रेंज होती है 33.11। ये डिपेंड करता है काउंट पे और मटेरियल पे कि जो हमारा कार्डेड मटेरियल है, कॉम्ब मटेरियल है, क्या एंड प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, इस पे भी टीपीआई हमारी डिपेंड करती है। व्हाट इज रिकमेंडेड शॉर्ट फाइबर हार्डनेस फॉर, व्हाट इज रिकमेंडेड सोर हार्डनेस फॉर कॉटन, यानी जो रिंग फ्रेम हमारी मशीन है, रिंग फ्रेम की जो ड्राफ्टिंग यूनिट है, ड्राफ्टिंग यूनिट के जो कॉट्स रोलर है, जो कॉट्स रोलर है उस कॉट्स का जो है सोर हार्डनेस की रेंज क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रंट जो रोलर होता है उसकी जो सोर हार्डनेस होती है 65 डिग्री जो है, और मिडिल की जो है 80 और बैक की जो है 83। रिंग फ्रेम प्रोडक्शन का फार्मूला आप बताइए, रिंग फ्रेम प्रोडक्शन का फार्मूला बताइए। तो रिंग फ्रेम प्रोडक्शन का फार्मूला होता है स्पिंडल स्पीड इंटू 60 इंटू 8 इंटू 3 इंटू एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ स्पिंडल डिवाइड बाय टीपीआई इंटू 36 इंटू 840 इंटू एनए इंटू 2.202 इंटू 100। ये हमारा फार्मूला होता है रिंग फ्रेम का। तो आप आसानी से इसको जो है आप वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टीपीआई, टीपीआई का क्या मतलब आप समझते हैं, टर्न पर इंच या ट्विस्ट पर इंच। व्हाट डू यू मीन बाय वन ली, एक ली का में से आप क्या समझते हैं? तो वन ली इक्वल टू 120 यार्ड। जनरली यार्न ऑफ रिंग फ्रेम प्रोसेसिंग इज जेट ट्विस्ट एंड रोटर यार्न यस ट्विस्ट, यस आर नो, यस। व्हाट इज रिंग फ्रेम वेस्टेज, रिंग फ्रेम का में जो वेस्टेज होता है क्या क्या वेस्टेज होता है, न्यूमाफिल, बोंडा, स्विफ्ट वेस्ट, हार्ड वेस्ट। व्हाट आर अनयूजेबल वेस्ट इन स्पिनिंग, अनयूजेबल वेस्ट जिसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर पाते वो हमारा वेस्ट कौन सा होता है, जो है स्पिनिंग मिल में, स्पिनिंग मिल में वो कौन से वेस्ट होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल मिल में जो है नहीं कर पाते हैं? तो ड्रॉपिंग, फ्लैट स्ट्रिप ऑफ कोर्स काउंट, फ्लोर स्वीपिंग एंड डस्ट, इनको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सम स्टैंडर्ड ऑफ स्पिनिंग, यहाँ पे जो है एक चार्ट के माध्यम से आपको स्पिनिंग मशीनों का जो है कुछ स्टैंडर्ड दिया गया, ये हमारी काउंट रेंज है, स्पीड है, वेस्ट है, इफिशेंसी है, और ये हमारी ट्विस्ट मल्टीप्लायर की रेंज है। तो आप इस चार्ट से जो है आपको काफ़ी कुछ जो है क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं आपको। जैसे हमने पूछा आपसे कि ड्रा फ्रेम में स्पीड क्या होती है, तो ड्रा फ्रेम की स्पीड है आपको जो है यहाँ पे जो मॉडर्न ड्रा फ्रेम है 600 टू 800 मीटर पर मिनट। अब ड्रा फ्रेम में जो है वेस्ट का रेंज क्या है, तो यहाँ पे आपको जो है 0.25 वेस्ट का बताया गया। इफिशेंसी क्या है, तो इफिशेंसी होती है हमारी जनरली 85% टू 88%, यानी 80-85% भी आप जो है बताते हैं तो अच्छा है, चलेगा।
इस तरीके से आपको इस चार्ट से कई क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन आप एराइज हो सकते हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लें। और इसके साथ साथ स्पिन प्लान हमने एक जो है हमारे स्टडी विद परम पे जो है यूट्यूब पे चैनल पे एक हमारा जो लेक्चर है स्पिन प्लान के लेक्चर को आप अच्छी तरीके से सुन लें, समझ लें, तो आपको जो है पूरा मशीनों का जो है ब्लो रूम से लेकर के रिंग फ्रेम तक जो है स्पिनिंग प्लान की आइडिया हो जाएगी, और कैलकुलेशन जो है डिफरेंट स्टेज पे जो हमारे कैलकुलेशन है उसका आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो आप जो है इस लेक्चर के साथ साथ जो है आप स्पिन प्लान के लेक्चर को आप सुन लें। व्हाट आर द फॉल्ट इन यार्न, यार्न में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। इरेगुलर यार्न यानी इरेगुलर यार्न, थिक एंड थिन प्लेसेस, स्लब्स, नेप्स, नेप्ड यार्न, स्पिनर्स, डबल क्रैकर्स, बैड पीसिंग, हेयरिनेस, सॉफ्ट यार्न, हार्ड एंड नॉन इलास्टिक यार्न एंड रफ यार्न, ये हमारे जो है यार्न में जनरली फॉल्ट हो सकते हैं। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब यहाँ पे जो है कुछ मिसेलियस क्वेश्चन आंसर आपसे जो हम कर रहे हैं कि व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या होती है। तो इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल वेपर प्रेशर टू सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, और उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइड बाई सेचुरेटेड वेपर प्रेशर इंटू 100। ब्रांड, व्हाट इज ब्रांड, ब्रांड क्या होगा, ट्रेड नेम आइडेंटिफाई मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट, कह रहे कि एक ट्रेड नेम है, ब्रांड क्या है, ट्रेड नेम है, व्हाट ए ट्रेड नेम आइडेंटिफाइंग ए मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट्स, जो है उस मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट को जो है ब्रांड नेम हमारा आइडेंटिफाई करता है। व्हाट इज कंज्यूमर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल विच फॉल इन टू कैटेगरी ऑफ एप्रल, फर्निशिंग, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल, टेंट एंड बैग पैक्स, मे बी रिफर्ड टू एज कंज्यूमर टेक्सटाइल। व्हाट इज जियो टेक्सटाइल, ए टेक्सटाइल यूज इन सॉयल बेस्ड एप्लीकेशन एंड एनी वो मटेरियल जो सॉयल बेस्ड एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल यूज इन सॉयल बेस्ड एप्लीकेशन सच एज रोड, बिल्डिंग, डैम्स एंड इरोशन कंट्रोल। व्हाट इज इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ग्रुप्स दैट इंक्लूड कार टायर, मेडिकल टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, कन्वेयर बेल्ट, कार सेफ्टी बेल्ट्स एंड पैराशूट कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ आपको अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप जो है सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका जो है और जो है इंटरव्यू के लिए आप और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, एक स्लाइड है जिसमें जो है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्सराइजिंग, इसके लिए जो है आप जो एक क्वेश्चन जो जो हम आपसे यहाँ पे अनसाल पूछ रहे हैं, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे जो है लेक्चर हैं जिनको आप सुन करके इन सारे क्वेश्चन आंसर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखें, और कोई भी डिफिकल्टी आती है तो हमारे यूट्यूब पे जो है रिलीवेंट जो है लेक्चर हैं, उन लेक्चर को सुन करके आप जो है इन क्वेश्चन आंसर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज मीन ऑफ डीसीपी, व्हाट इज टेंशन ड्राफ्ट, व्हाट इज टेक्स, किलो टेक्स, वर्स्टेड काउंट, ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे जो है लेक्चर हैं उनको आप देखिए, सुनिए, और इस क्वेश्चन आंसर को जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपको करियर ओरिएंटेड जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और एक आपको डायरेक्शन जो है मिलेगा कि हाउ टू अपियर इन इंटरव्यू, इंटरव्यू हाउ टू फेस इंटरव्यू, हम इंटरव्यू को कैसे फेस करें, कैसे अपियर हों, क्या प्रिपरेशन करें, क्या प्रिपेयर करके बैठें। इस लेक्चर के माध्यम से आपको जो है काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा, और आगे जो है इंटरव्यू में आप सक्सेस हों, ये हमारी विश है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।